स्पेशली थैंक्स फॉर सतपेंद्र चौहान सर एंड कमल सर। सतपेंद्र चौहान सर ने मेरा काम किया है और कमल सर ने मुझे अच्छी गाइडेंस दी है और उनके वजह से मेरा वीज़ा लगा है माल्टा का। डिलीवरी बॉय में मेरा वीज़ा लगा है और ये मेरा वीज़ा है और मैं जल्दी माल्टा आ रहा हूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसे कि अभी आपने वीडियो देखा, मेरा सब्सक्राइबर है और बॉम्बे से है वो। उसका वीज़ा लग गया। जिस वीज़े का मैं सबसे ज़्यादा वेट कर रहा था, डिलीवरी बॉय का, वही वीज़ा लगा है उसका। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि डिलीवरी बॉय का वीज़ा लग गया, क्योंकि रिजेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहे थे। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि किसी का वीज़ा लग जाए और फाइनली वीज़ा लग गया। और रिजेक्शन की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिजेक्शन लग रहे हैं। आज मुझे एक मेरे सब्सक्राइबर का मैसेज आया कि 55 लड़कों ने अप्लाई किया था, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लड़के थे। तो सब 55 में से ओनली 2 बंदे का रिजेक्शन वीज़ा लगा है, 53 रिजेक्शन हो गया। आप खुद देख लो कि कितना ज़्यादा रिजेक्शन है। तो सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम kamalkumar2009। आपकी जो भी क्वेरीज होगी किसी भी वीडियो के रिलेटेड में, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। सबसे पहले तो उस लड़के की जर्नी के बारे में बात करूंगा, कैसे वीज़ा मिला, कितने दिन लगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे और क्या एक्सपीरियंस था। ये सारी वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। दिसंबर 2022 में शुरुआत किया था उन्होंने, अप्लाई किया था किसी एजेंट के थ्रू। एंड आफ्टर दैट जनवरी 13 को उनका अप्रूवल लेटर आ गया था। अप्रूवल लेटर आ जाने के बाद फिर अप्रैल 10 को उन्होंने सबमिशन किया, मुंबई में सबमिशन किया उन्होंने। और जो डॉक्यूमेंट जो लगते हैं नॉर्मल डॉक्यूमेंट थे, कुछ में कुछ खास था नहीं कि हाँ भी कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं है। और डॉक्यूमेंट बनाने के बाद सबमिशन हो गया था और वो बंदा फ्रेश था ही, मतलब ऐसा नहीं कि वो पहले गल्फ में जाके आ चुका है या फिर दुबई में या कतर में डिलीवरी का काम किया है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिलीवरी का काम भी नहीं किया था लेकिन वीज़ा आ गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि जो लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास तो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बिना एक्सपीरियंस वालों को ही मिलता है। और जैसे मेरे पास एक्सपीरियंस था दुबई का, लेकिन मेरा रिफ्यूज़ल आ गया था फर्स्ट टाइम पे, मैं जैसे मैंने बताया था पहले भी। तो ऐसा नहीं है कि हाँ भी आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपका वीज़ा आएगा ही आएगा, ऐसा मत सोच लेना। तो बस किस्मत की खेल है माल्टा, मैं जैसे पहले बता रहा था आपको। और सबमिशन के बाद इंटरव्यू के लिए कुछ भी नहीं हुआ जी, उनका इंटरव्यू नहीं हुआ, बिना इंटरव्यू के उनका वीज़ा आया है। और 37 डेज लग गए वीज़ा आने में। जैसे 10 अप्रैल को सबमिशन हुई थी और 17 मई को वीज़ा आया है, मतलब 37 डेज हो गए इसमें। तो 37 दिन के बाद वीज़ा आया है। और जो डॉक्यूमेंट के लिए है, जो मैं बता रहा था आपको, डॉक्यूमेंट में वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट था उनका, जैसे एक फ्लाइट टिकट था। मोस्टली लोगों का जो क्वेश्चन होता है फ्लाइट टिकट क्या हमें कंफर्म करने चाहिए, वैसे अगर आप गाइडलाइन देखोगे तो न्यू चेकलिस्ट में तो यही बोला गया है कि कंफर्म टिकट। लेकिन कंफर्म टिकट हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ना, या तो हमें आप तो लोग श्योरिटी दे दें कि हाँ भी टिकट आप कंफर्म लगाओ, वीज़ा आएगा आएगा, उस कंडीशन में तो हर बंदा कंफर्म टिकट लगा देगा, लेकिन श्योरिटी तो है नहीं वीज़ा आने की। सो लोग क्या करते हैं, डमी टिकट ही लगाते हैं। इन्होंने भी डमी टिकट लगाई थी तो वीज़ा आ गया। और जर्नी इतनी ईजी नहीं थी, इन्होंने सोचा नहीं था कि मैं करूंगा, लेकिन फाइनली एजेंसी उनको अच्छी मिल गई थी जिन्होंने जहाँ से इन्होंने अपना काम करवाया था। और मैं भी उनको बताता रहता था क्या करना है, क्या नेक्स्ट है, जो भी इनके जो डाउट हुआ करते थे मैं क्लियर कर दिया करता था मैं। तो फाइनली उनका वीज़ा आ गया। और रिजेक्शन दोस्तों बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और जिसके नहीं आ रहे हैं वीज़े तो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि रिफ्यूज़ल आ गई है, क्या करें। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आपने जैसे डिलीवरी के लिए किया हुआ है, क्लीनिंग के लिए किया है, तो आप क्विट कर दो। क्विट करके आप कुछ और जॉब के लिए आप देखो, जो जिसमें आप एक्सपीरियंस भी बनवा सको अपना, उसके बाद अप्लाई करो, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रहा है। हाउसकीपिंग का बहुत आ रहा है, क्लीनिंग का बहुत आ रहा है, डिलीवरी का बहुत आ रहा है। अभी तक इतने इंडिया से कितने लोगों ने डिलीवरी बॉय के लिए अप्लाई किया था, ही इज़ द फर्स्ट मैन जिसका वीज़ा आया है, मतलब आउट ऑफ 200 और 300 के बीच में जाके वीज़ा आया है। और दुबई से भी बहुत सारे रिफ्यूज़ल हो रहे थे, लेकिन दुबई से लोगों का आ गया था, लेकिन ये फर्स्ट है इंडिया में जो मैंने बहुत दिन के बाद मैंने किसी का वीज़ा आया है डिलीवरी बॉय के लिए। क्योंकि ये कोई आपका कोई
स्किल काम तो है नहीं कि हाँ भी यार उनको बहुत अर्जेंट है इस काम के लिए। डिलीवरी बॉय की जॉब के लिए तो हर बंदा रेडी रहता है। स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, वो पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, तो शॉर्टेज होती ही नहीं है डिलीवरी बॉयज की। तो इंटरव्यू मैंने बता दिया आपको, इंटरव्यू नहीं हुआ था, डॉक्यूमेंट नॉर्मल लगे थे, ठीक है, और फ्लाइट टिकट कन्फर्म नहीं थी, और एक्सपीरियंस लेटर कोई जमा नहीं किया गया था। बस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मेरे को सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया कि आपने वीडियो पोस्ट किया हुआ है, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपने बताया कि लड़के का वीज़ा लग गया डिलीवरी बॉय का, तो उसका उसकी डिटेल से वीडियो बना के पोस्ट करो मुझे बोला गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इस पर वीडियो बना देता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और 3 या 4 दिन के अंदर, नहीं कल या परसों, मुझे 5-6 विजय और आने की उम्मीद है, क्योंकि उनका इंटरव्यू हुआ था बकायदा, और जहां तक मुझे उम्मीद है उनका वीजा आएगा, सिक्योरिटी का वीजा है उनका। लेट्स सी, उम्मीद तो यही करूंगा कि वीजा उनका आ जाए, तो क्योंकि आराम सुकून मिलता है वीजा आ जाए तो। सबमिशन जिन लोगों की मैंने वैसे मैं बता रहा था कि जिनका रिफ्यूजल आ गया है, एक बार और ट्राई करना चाहते हैं तो ट्राई कर ले। अपील का चक्कर ये होता है यार कि आपको 15 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करनी पड़ती है, आपका जो एम्प्लॉयर होता है वो अपील करके देता है, आपके पास आपका या आपका एजेंट कुछ भी नहीं कर सकता इसमें, आपका एम्प्लॉयर के पास में है सारी पावर अपील करने की। अगर अपील अगर हो जाती है तो वेल एंड गुड है,